हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू गाइस। हमेशा की तरह मैं आज फिर आपके पास एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ और ये टॉपिक भी ऑफ कोर्स हमारे इंग्लिश सिलेबस से ही रिलेटेड है। गाइस, अब तक मैंने आपको जो अल्फ़ाबेट सिखाए हैं, आई होप आप उस पर वर्क कर रहे होंगे। आज जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट मैं आपको सिखा रही हूँ वो है लेटर एल, यानी एल फॉर लॉयन। लॉयन मीन शेर। आप सब ने लॉयन देखा है, जू में देखा है, टीवी में देखा है। ओके, सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द थिंग्स ऑब्जेक्ट विच इज रिलेटेड फ्रॉम एल। द फर्स्ट वन इज लॉयन। लॉयन मीन शेर। लेग। लेग मीन्स पैर। लैम्प। लैम्प मीन्स भेड़। लैम्प। लैम्प को हम हिंदी में भी लैम्प ही कहते हैं। लैडर, जिसको सीढ़ी कहते हैं। एंड लेडीबग। लेडीबग इज अ इंसेक्ट। After that, I'm going to tell you about how to write alphabet L with the help of patterns. Okay? But how to write letter L with the help of dots. Firstly, you know very well कि L for lion, मैंने आपको अपने पहले उसमें oral में बताया भी कि L for lion होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो L alphabet से related होती हैं। Now let's start how to write letter L. फर्स्टली यू कैन सी दैट मैंने यहाँ डॉट्स के थ्रू एक स्टैंडिंग लाइन में डॉट्स बनाए हैं और एक स्लिपिंग लाइन में डॉट्स बनाए हैं। आपको उसे ज्वाइन करना है, सो ज्वाइन द डॉट्स एंड मेक अ स्टैंडिंग लाइन, देन अगेन यू ज्वाइन द डॉट एंड मेक अ स्लिपिंग लाइन। दिस इज कॉल्ड एल। नाउ आई एम मेकिंग हेयर वन मोर टाइम स्टैंडिंग लाइन एंड स्लिपिंग लाइन। दिस इज कॉल्ड एल। Just try here one more time. Standing line and sleeping line. आपको ये प्रैक्टिस ऐसे ही करनी होगी और अब तक आपने जितने अल्फ़ाबेट लिखने सीख लिए हैं उन सब में L बहुत ही ईजी होता है। बस आपको टू सिंपल पैटर्न्स फॉलो करने होते हैं फॉर अल्फ़ाबेट L. And after practicing, definitely you will done this work very nicely. सो गाइज, आपको पहले डॉट्स के थ्रू बनाने होंगे, आफ्टर दैट आपको खुद से बनाना होगा। थ्री लाइन में एक स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन। दिस इज कॉल्ड एल, इजन इट। सो आपको घर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से, और जो भी मैं वर्कशीट्स आपको देती हूँ आपको उसके थ्रू भी प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपका रिटन पावर, रिटन मोटर स्किल जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो पाएगा। Isn't it? So now, after the completion of written part, guys, I have to come with lots of worksheet for you. And you know very well that worksheet is very important for you. So let's discuss about worksheets. The first is practice writing the letter L. इसमें मैंने dots बनाए हुए हैं। आपको सबसे पहले ऊपर वाले डॉट्स को ट्रेस करके प्रॉपर एल बनाना है, फिर नीचे सिर्फ स्टैंडिंग लाइन डॉट्स के थ्रू बनाया है उसको ट्रेस करके स्लीपिंग लाइन अपने आप बनाना। द नेक्स्ट इज राइट द करेक्ट कैपिटल लेटर। आपको पिक्चर्स देख के किस पिक्चर अल्फ़ाबेट से ये पिक्चर होता है आपको वो अल्फ़ाबेट लिखना है। लाइक फैन है तो एफ फॉर फैन, जी फॉर गोट, बी फॉर बस, सी फॉर कार, ऐसे ही आपको पढ़ते जाना है और लिखते जाना है। द नेक्स्ट इज ई एफ जी एच। मैंने आपको फोर अल्फाबेट दिए हैं और साथ में लाइन दी हुई है, आपको सही लाइन असाइनमेंट के हिसाब से आपको ये लेटर्स लिखने की प्रैक्टिस करनी है। द नेक्स्ट वर्कशीट इज सर्कल द करेक्ट कैपिटल लेटर। आपको पिक्चर्स बनाना देखना है, पिक्चर्स के नीचे मैंने थ्री लेटर्स लिख रखे हैं, करेक्ट लेटर को आपको सर्कल करना है। लाइक हॉर्स की पिक्चर है तो आपको एच को सर्कल करना है, बस की है तो बी को करना है, ऐसे आपको करना है। द नेक्स्ट वर्कशीट इज मैच द लेटर विद द करेक्ट पिक्चर। आपको लेटर्स पढ़ने हैं और उससे रिलेटेड जो पिक्चर्स हैं आपको उसको मैच करना है। फॉर एग्जाम्पल ए फॉर एरोप्लेन, बी फॉर बस। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।
आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू एंड इंक्रीजिंग योर स्टडी नॉलेज. सो गाइस टुमारो आई विल कम विद अ न्यू टॉपिक. सो टिल देन हैव अ नाइस डे. स्टे सेफ एट योर होम गाइस. बाय.